हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी वाला जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे, जो ज्योग्राफी यूपीएससी, एमपीपीएससी, जीपीएससी और किसी भी पीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है वो सारा आप क्लास 9th की एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी पढ़ने के पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप कभी भी जब ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करें तो प्लीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैप स्टडी करना है। उसके लिए आपके पास बुक के अलावा एक ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है जिसमें सारे मैप्स आते हैं, इंडिया के, वर्ल्ड के, एशिया के, यूरोप के, सारे मैप्स उसमें दिए हुए थे, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। सबसे पहले आज हम इंडिया की नॉर्मल जो फीचर्स होते हैं, इंडिया क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक उसका एक्सटेंट है, किस हेमीस्फीयर में वो एग्जिस्ट करती है, वर्ल्ड में हमारा क्या पोजीशन है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम चैप्टर रीड करने के पहले एक बार मैप्स को देख लेते हैं। तो ये है हमारा वर्ल्ड मैप, ठीक है। वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे कि हमारा इंडिया का पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है। अब इंडिया हमारे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के ईस्टर्न वाले पार्ट में आती है। तो जैसा कि हमको पता है कि ये है इक्वेटर वाली लाइन, ये है हमारी ग्रीनविच मेरिडियन, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ पोजीशन और ये है साउथ पोजीशन। और इंडिया हमारा किस में आता है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में आता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के ईस्ट वाले पोर्शन में आता है, ठीक है। और किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। एशिया के जो सबसे सदर्न मोस्ट कंट्रीज़ में आता है वो आता है हमारा इंडिया, ठीक है। सदर्न मोस्ट कंट्री नहीं है लेकिन साउथ में आता है एशिया के इंडिया, ठीक है। सदर्न मोस्ट कंट्रीज़ में अगर हम बोलेंगे एशिया की तो वो कौन सी आएंगी, इंडोनेशिया वाली कंट्री आती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया क्या है, इंडिया के क्या क्या लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उनके बारे में देखेंगे। ये है इंडिया का फुल मैप, इसमें हम देखेंगे कि इंडिया जो है, इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक है। अब हमारा जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमीस्फीयर में है, सॉरी ईस्ट साइड में है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के। तो ये जो दो है ये दोनों नॉर्थ लॉन्गिट्यूड आएंगे और ये भी जो है वो दोनों ईस्ट आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, तो हमारा जो सबसे ये यहाँ से हमारा ये है 68°7' ईस्ट से लेके 97°25' ईस्ट तक हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 37°6' नॉर्थ से लेके 8°4' नॉर्थ तक, ठीक है। तो देखा आपने नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर में आता है हमारा इंडिया, ठीक है। ये आपने हम लोगों ने देख लिया। अब नॉर्थ से साउथ तक टोटल इसकी लेंथ कितनी है, इसका लेंथ है 3214 किलोमीटर्स और ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सटेंट कितना है 2933 किलोमीटर। और टोटल जो हमारा इंडिया का एरिया है वो है 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी इंडिया का टोटल एरिया है। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें हमको जानने की ज़रूरत है, अब हमारा जो ईस्ट से वेस्ट का डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, तो अप्रॉक्सीमेट 30° का डिफरेंस है। 97°25' से 68°7' में अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट का डिफरेंस है। तो ईस्ट से वेस्ट तक कितने घंटे का डिफरेंस हो गया, 2 आवर का डिफरेंस हो गया। जैसे हमने पढ़ा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में 15° का डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1 आवर का डिफरेंस होता है, तो 30° का डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 आवर का डिफरेंस हो गया, ठीक है। और ग्रीनविच मेरिडियन से अब क्या होगा, अगर मान लो जो सन है हमारा वो ईस्ट में 4 AM पे निकलेगा तो वेस्ट तक पहुंचने में उसको कितने लग जाएंगे, 6 AM लग जाएंगे। तो फिर दोनों का तो टाइम अलग अलग हो जाएगा। इन दोनों का टाइम एक रखने के लिए हम क्या करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन हम लोगों ने लिया है। मतलब ऐसी एक लाइन जो इंडिया के बीच में से जाती है जो इनके लिए भी सेम टाइम डिसाइड करेगी, ये भी सेम टाइम डिसाइड करेगी। ही ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इधर अलग टाइम होगा, इधर अलग टाइम होगा, तो क्या होगा, जो भी जैसे मान लो ट्रेन है वो यहाँ से यहाँ जाती है तो उसमें टाइम डिफरेंस आएगा। कोई भी इंसान यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है तो उनके लिए टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कैसे हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। इस वजह से एक कॉमन टाइम रखा हुआ है पूरी इंडिया का जो हम ISTE के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है, तो ये है 82° 30' वाला लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब इसके 0° से हम जो है
कितना डिफरेंस है इसमें, 82 डिग्री 30 मिनट का डिफरेंस है, और हमको पता है 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर होता है, तो टोटल जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है, 5.5 घंटे का है। और जब भी हमको पता है कि हम ईस्ट साइड में ट्रेवल करते हैं तो सन पहले ईस्ट से उगता है और वेस्ट की साइड जाता है, तो ये जो टाइम होगा वो हमेशा आगे होगा एज़ कम्पेयर टू ग्रीनविच मेरिडियन। जैसे मान लो ग्रीनविच मेरिडियन पे अगर टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बज चुके होंगे, शाम के 5:30 बज चुके होंगे, क्योंकि ये 5.5 घंटे आगे है ये टाइम, ठीक है। तो इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे शाम के, तब ये ग्रीनविच मेरिडियन मतलब जो लंदन से होके निकलता है वहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में इंडियन ओशियन होता है, ठीक है। उसके अलावा 2 आइलैंड्स हैं हमारी कंट्री के, जो वेस्ट में आइलैंड उसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड, और जो ईस्ट में आइलैंड उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और किस किस से हमारी कंट्री बाउंड्री बनाती है, तो पाकिस्तान से बनाती है, चाइना से बनाती है, नेपाल से बनाती है, भूटान से बनाती है, बांग्लादेश से बनाती है, और म्यांमार से बनाती है। उसके अलावा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से पास होती है, 8 स्टेट से पास होती है। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे भी कि कौन कौन से स्टेट से वो पास होती है, ठीक है। इतना समझ में आया कि क्या लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, और टोटल एरिया कितना है हमारी कंट्री का, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरेबियन सी है, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद एक और चीज़ है, हाँ ये देखिए, ये इंडिया का मैप है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपने ज्योग्राफी कवर की है या पढ़ा है तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी, ठीक है। तो देखते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होती है, गुजरात से पास होती है, राजस्थान के थोड़े से एरिया से पास होती है, मध्य प्रदेश से पास होती है, छत्तीसगढ़ से पास होती है, झारखंड से पास होती है, वेस्ट बंगाल से पास होती है, त्रिपुरा और मिजोरम से पास होती है। तो ऐसे कितने स्टेट से पास होती है, टोटल 8 स्टेट हो गए, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर आपको स्टेट्स, अच्छा ये नया मैप है जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया है। अब आप अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा सबसे नॉर्दर्न स्टेट कौन सा है, तो अब जम्मू कश्मीर नहीं है, अब सबसे नॉर्दर्न स्टेट कौन सा है, हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उस चलिए हम एक बार एक मैप स्टडी कर लेते हैं। सबसे ऊपर आएगा लद्दाख, उसके पास में आता है जम्मू कश्मीर, उसके जस्ट नीचे आएगा हिमाचल प्रदेश, उसके फिर साइड में आएगा पंजाब, पंजाब से जुड़ा हुआ होता है हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश के नीचे होता है उत्तराखंड। देखो जैसे हमको पता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों हिली एरिया है, मतलब हिमालयन रीजन है, तो दोनों पास पास में ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नेपाल के जस्ट नीचे हमारा उत्तर प्रदेश। अब दिल्ली की लोकेशन में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आप देखिए ये दिल्ली की लोकेशन है, दिल्ली जो है हरियाणा में आता है, ठीक है, लेकिन इसका बॉर्डर किससे होता है, यूपी से मिला हुआ है, इसलिए दिल्ली में यूपी और हरियाणा की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे यूपी आया, अब पहले हम इधर जाते हैं, यूपी आया, फिर बिहार आता है, फिर बिहार के बाद यहाँ से ऐसे वेस्ट बंगाल आता है, फिर ऊपर थोड़ा सा सिक्किम आता है, सिक्किम के बाद यहाँ आसाम आता है, ऊपर जाते हैं अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर यहाँ नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो नमामी, नमामी, तो नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम आता है, उसके पास में त्रिपुरा आता है, और बांग्लादेश के ऊपर आता है मेघालय, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा आएंगे, उड़ीसा से हम आएंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद आएगा हमारा तमिलनाडु आएगा, और तमिलनाडु के पास केरल आएगा। अब एक चीज़ याद रखिए इसमें कि अगर आपसे सदर्न मोस्ट स्टेट पूछा जाए तो वो कौन सा है, तमिलनाडु है, क्योंकि केरल के आगे तक तमिलनाडु गया है, केरल जो है वो सदर्न स्टेट नहीं है, सदर्न मोस्ट स्टेट नहीं है, वो है तमिलनाडु। और हमारा सदर्न मेनलैंड का अगर पॉइंट पूछे तो वो है कैपे कैमोरिन, कौन सा है, कैपे कैमोरिन लैंड पॉइंट पूछे तो, लेकिन अंडमान निकोबार जो है वो हमारे लैंड पॉइंट से आगे है, इसलिए इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है इंडिया का। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछे तो इंदिरा पॉइंट, इंडिया के मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा तो कैपे कैमोरिन होता है, ठीक है, या कन्याकुमारी के पास, कन्याकुमारी में आता है ये। अब इंदिरा पॉइंट जो है वो सबमर्ज हो गया था किसमें, सी के अंदर 2004 में जब सुनामी आई थी तब, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आ गए केरल पे, आ गए
केरल के बाद आ गया हमारा कर्नाटका, महाराष्ट्र और यहाँ गोवा। देखो गोवा की पोजीशन में भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो गोवा जो होता है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों के बीच में आता है। ऐसे दिल्ली का याद रखिए कि हरियाणा में आता है और यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वैसे ही गोवा जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है गुजरात, गुजरात के ऊपर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे आएगा तेलंगाना, ठीक है। ये तो सारे हमारे स्टेट्स हो गए, अब हम यूनियन टेरिटरीज को भी देख लेते हैं। दमन एंड दीव, ये देखो दीव जो है वो गुजरात के इस टिप पे आता है, एक आइलैंड है, और दमन जो है वो इधर की साइड आता है, महाराष्ट्र वाली साइड आता है, तो दमन एंड दीव। फिर उसी के पास में आता है दादरा एंड नागर हवेली, और इन चारों को अब मर्ज करके एक यूटी बना दिया है। पहले ये दोनों अलग अलग यूटी थी, दमन एंड दीव अलग थी, दादरा एंड नागर हवेली अलग थी, ठीक है। ये तो दो हो गई, मतलब सिंगल यूटी हो गई, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी पुडुचेरी। पुडुचेरी की चार टेरिटरी हैं, एक तो है यनम, माहे, पुडुचेरी, करैकाल। इनको नॉर्थ से साउथ लगाने में भी आ जाता है। तो पहला आता है यनम, यनम कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। उसके बाद जो लोकेशन आती है वो आती है माहे की, माहे कहाँ आता है हमारा, केरल में आता है। उसके बाद आता है पुडुचेरी, पुडुचेरी तमिलनाडु में आता है, और फिर आता है करैकाल, करैकाल और पुडुचेरी दोनों कहाँ आते हैं, तमिलनाडु में आते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ ये एक और टेरिटरी हो गई। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टेरिटरी, अच्छा दो टेरिटरी और ये हैं, दो आइलैंड हैं, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। उसके बाद हमारी एक और टेरिटरी आती है, वो है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली भी हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि लेजिस्लेटिव असेंबली इसलिए स्टेट है, नहीं दिल्ली स्टेट नहीं, दिल्ली यूटी है। फिर पंजाब के अंदर आता है चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है, और साथ में वो यूनियन टेरिटरी है। और उसके अलावा फिर है जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी ऐसी टेरिटरी है जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, मतलब वहाँ पे सीएम होगा, ठीक है। लद्दाख जो है विदाउट लेजिस्लेचर होगा, मतलब वहाँ पे कौन होगा, सिर्फ एलजी होगा, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, ठीक है। इतना क्लियर है मैप से। उसके अलावा देखो स्टेट्स भी आप देख लो, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी मैप प्रैक्टिस भी करेंगे अभी, उसके पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या है। ये तो हमारी मैप प्रैक्टिस हो गई है। चलिए, इंडिया जो है हमको पता है एंशियंट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, ठीक है। बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुए हैं बहुत इस डिकेड में। उसके अलावा इंडिया ने काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस की है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया है। इसके अलावा इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट किया है। पहले इंडिया से बहुत सारे लोग जाते थे, इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, अगर आपको बताओ। इंडिया का ट्रेड बहुत अच्छा था मेसोपोटामियन वगैरह से, फिर यूरोप में स्पाइसेस जाया करते थे। इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होने की वजह से इंडिया का ट्रेड बहुत अच्छा था, इस वजह से हमारी कंट्री में गोल्ड ज़्यादा आता था। फिर लोकेशन क्या है, हमको पता है इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ये एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करती है। इसका जो मेन लैंड है वो 8° 4' नॉर्थ से 37° 6' नॉर्थ तक है, और लॉन्गिट्यूड जो है वो 68° 7' ईस्ट से 97° 25' ईस्ट तक है, ठीक है। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5° नॉर्थ, वो कंट्री को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, साउथ ईस्ट टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाए द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। हमने देखा साउथ ईस्ट में कौन सा है हमारा, अंडमान निकोबार है, और साउथ वेस्ट में कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। इन दोनों जो अंडमान निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में आता है, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जो मैंने आपको बताया, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज हो चुका है सी वाटर में इन 2004 की सुनामी में। अब साइज़ क्या है इंडिया का, तो इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इंडिया का जो पूरा एरिया है वो पूरे वर्ल्ड के एरिया के कितना परसेंट है, 2.4% है, कितना परसेंट है, 2.4% है। और इंडिया वर्ल्ड की सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। सबसे पहली तो रशिया इधर बहुत बड़ी है, ठीक है, उसके बाद इधर कनाडा बहुत बढ़िया है, फिर तीसरे नंबर पे यूएसए है, फिर चौथे नंबर पे चाइना है, ठीक है, फिर पाँचवें नंबर पे यहाँ ब्राज़ील है, फिर छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें पर इंडिया है, ठीक है। तो ये सेवन कंट्रीज़ हैं।
उसके बाद ये देखो, इंडिया की जो मेन लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है, और इंडिया की जो मैरिटाइम बाउंड्री है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड वो है 7,516 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो टोटल ये लैंड वाली बाउंड्री है ना, ये वाली, ये दिस वन, ठीक है, ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और मैरीटाइम बाउंड्री मतलब कोस्टल बाउंड्री, ये देखो ये वाली बाउंड्री, ठीक है, और ये कितने, और इन दोनों को भी इंक्लूड कर दे तो टोटल बाउंड्री कितनी है? 7,516 किलोमीटर है, ठीक है। इस कितने स्टेट से पास होती है देखो, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल स्टेट, सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की है, ठीक है। गुजरात से पास होती है, महाराष्ट्र पास होती है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। कितने स्टेट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 स्टेट्स से हमारी कोस्टल लाइन पास होती है, और सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की है, ठीक है। इतना समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट, सॉरी हम कहाँ थे, यहाँ इंडिया इज बाउ इंडिया के ऊपर पूरा यंग फोल्ड माउंटेन है यहाँ इस वाले रीजन में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, ऐसे है पूरा हमारा हिमालय। आगे हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में, तो नॉर्थ वेस्ट से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक हमारा हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अरेबियन सी ऑन दी वेस्ट एंड दी बे, और इंडिया का जो पूरा मेन लैंड है सदर्न इंडिया, वो पूरे ओशियन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक हो जाता है अरेबियन सी और एक हो जाता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। उसके बाद जो लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है मेन लैंड का, वो 30 डिग्री है। हमने देखा कि 37 डिग्री से 68 6 डिग्री 4 मिनट तक है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितना हो गया ये? 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, ठीक है। और ऐसे ही इधर से भी ऐसे ही है। उसके अलावा सॉरी, हाँ, पर ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ टू साउथ। हमने देखा कि ईस्ट टू वेस्ट का जो है वो कम दिखता है, क्योंकि ये कितना है? 2933 किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर है। तो ईस्ट टू वेस्ट कम है एक्सटेंट, और नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में हमने देखा 2 घंटे का टाइम लैग आता है, क्योंकि दोनों का लॉन्गिट्यूड अलग अलग है, ठीक है, इस वजह से। तो ये वाला है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये वाला है 97 डिग्री 25 मिनट, इस वजह से डिफरेंस आता है टाइम का। लेकिन हमने क्या किया है, सब में टाइम एक जैसा रहे, इस वजह से मेन जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 82 डिग्री 30 मिनट, जो कहाँ से पास होता है? यूपी के मिर्ज़ापुर से पास होता है। अच्छा, एक बार आप देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन कौन से स्टेट से पास हो रहा है। आई थिंक इसमें बना हुआ नहीं है, ये देखिए। अब थोड़ा अंदाज़ा अगर आपने मैप प्रैक्टिस किया तो आप लगा सकते हैं कि ये जो है वो यूपी से पास हो रहा है, ठीक है। इधर छत्तीसगढ़ से पास होगा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश से पास होगा, ठीक है। तो यूपी के जो मेन जहाँ से पास हो रही है एकदम एग्जैक्ट लोकेशन, वो है मिर्ज़ापुर, ठीक है। मिर्ज़ापुर से पास होता है यूपी के, ओके। इसके बाद है द लॉन्गिट्यूडल, अच्छा, जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है यहाँ से यहाँ तक, वो डे एंड नाइट के ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जो साउथ वाला पोर्शन है वो इक्वेटर के पास आता है, और इक्वेटर पे क्या होता है? इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होती है, ठीक है। लेकिन जब हम कन्या यहाँ पे कश्मीर पहुँचते हैं, तो कश्मीर का जो एक्सटेंट है वो टेम्परेट रीजन वाली साइड आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास कर जाता है, तो वहाँ पे इक्वल डे इक्वल नाइट नहीं होता, वहाँ पे नाइट बड़ी होती है और डे छोटा है। जैसे कि हमको पता है कि हम जैसे जैसे पोल की साइड जाते हैं तो वहाँ पे टाइम डिफरेंस हो जाता है, वहाँ पे 6 मंथ का डे और 6 मंथ का नाइट, ऐसा टाइम डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो इस वजह से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के वजह से डे और नाइट का ड्यूरेशन जो है वो सेम नहीं रहता है। अब देखो, पहला क्वेश्चन इसमें है, पूछा है वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्यों स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया? क्योंकि वो इंडिया के बीच में से निकलती है, इसके वजह से हम यूनिफॉर्म टाइम डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। मतलब कन्याकुमारी में क्यों डे और नाइट का डिफरेंस नहीं होता? क्योंकि वो इक्वेटर के पास में है, तो ऑलमोस्ट इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, जबकि कश्मीर जो है वो हायर लैटिट्यूड्स पे आता है, इसकी वजह से वहाँ पे डे और नाइट के में डिफरेंस हमको देखने को मिलता है।
ठीक है। उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड में, तो इंडियन लैंडमार्क जो है वो सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड दी वेस्ट एशिया, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में सेंट्रल लोकेशन है। देखो कैसे, ये है वेस्ट एशिया और ये है ईस्ट, इन दोनों के बीच में सेंटर है इंडिया, क्लियर है इतना, ठीक है। उसके बाद इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, तो इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट का साउथ एक्सटेंशन है, साउथवर्ड एक्सटेंशन है, ओके। उसके बाद विच कनेक्ट द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू द इंडिया। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड इन टू द इंडियन ओशन, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश द क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। देखो अब क्या है, देखो इंडिया जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, तो इंडिया यहाँ पे सिचुएटेड होने, सेंटर में सिचुएटेड होने की वजह से ये यूरोप से भी कांटेक्ट रख सकता है और ईस्ट मतलब वेस्ट में भी कांटेक्ट रखता है, ईस्ट में भी रखता है। वेस्ट में जो है वो इधर से ये वाला एक कांटेक्ट बन गया है और ये वाला लैंड बाउंड्री है, ठीक है। पहले जब तक ये स्वेज कैनाल, यहाँ पे अफ्रीका में स्वेज कैनाल बनी है, यहाँ पे जब तक ये स्वेज कैनाल ओपन नहीं हुई थी तब पहले इंडिया को इतना ऐसे घूम के जाना पड़ता था, और इस स्वेज कैनाल के बनने के वजह से इंडिया का जो रूट है वो 7000 किलोमीटर कम हो गया है अब यूरोप पहुंचने का, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर अब इंडिया कैसे कैसे जा सकती है, एक तो इधर यूरोप होते हुए अमेरिका जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, ठीक है, या फिर इधर से भी ऐसे जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर है एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से वो ईस्ट में जा सकता है या ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, इधर चाइना जा सकता है, तो उसके पास सारी बाउंड्री खुली है वेस्टर्न कोस्ट से भी ईस्टर्न कोस्ट से भी। फिर जो ईस्ट एशिया वाले जो कंट्रीज़ हैं, सॉरी वेस्ट एशिया वाले जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इनके साथ भी इसके काफ़ी एंशियंट टाइम से कॉन्टैक्ट्स हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, आपको पता है अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ट्रेड किया करते थे। अफ्रीका भी जा सकता है वेस्टर्न कोस्ट से, ईस्टर्न कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, तो ये सारी बेनिफिट किसके पास है, इंडिया के पास है, ठीक है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन देन इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ इंडीड। इंडियन कोस्ट, इंडिया के पास जितनी बड़ी कोस्ट लाइन है उतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री के पास नहीं है इंडियन ओशन में, इसलिए उस पूरे ओशन का नाम ही इंडिया के ऊपर रख दिया, क्या नाम रख दिया है, इंडियन ओशन रख दिया है। डू यू नो सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869 में स्विस कैनाल ओपन हुई थी, तब इंडिया का जो डिस्टेंस था फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। मैंने बताया आपका अफ्रीका पूरा घूम के जाना पड़ता था तो 7000 किलोमीटर डिक्रीज हो गया। अब देखो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रशिया, उसके बाद है कनाडा, तीसरी है यूएसए, चौथी है चाइना, पांचवी है ब्राज़ील साउथ अमेरिका में, छठवीं है ऑस्ट्रेलिया, एक कॉन्टिनेंट है पूरा, और सातवीं है इंडिया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब इंडिया के कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड कंटिन्यू थ्रू द एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर। अब जबकि हमको पता है कि स्टार्टिंग में सबके पास, सारी कंट्रीज़ के पास नेवी नहीं थी, सी रूट किसने डिस्कवर किया था, वास्को दी गामा ने डिस्कवर किया था जब कॉन्स्टेंटिनोपोल का पर जब ओटोमैन एम्पायर ख़त्म हो गया था, तो टर्की ने क्या किया था, वो जो लैंड रूट है बिटवीन इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करता था टर्की के थ्रू, वो बंद कर दिया था। इसके वजह से इंडियन स्पाइसेस के लिए यूरोप को नया रूट डिस्कवर करना पड़ा, और वो कहाँ पहुँचा, सी रूट को डिस्कवर करके इंडिया पहुँचा। देखो पहले इंडिया से लैंड ट्रेड होता था ऐसे, इधर से सीधा जाता था और यहाँ पर आता है टर्की, तो टर्की ने क्या किया था, ये रास्ता बंद कर दिया था, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगा रहे थे, तो जो भी चीज़ इंडिया से यूरोप पहुँचती थी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती थी। इसके वजह से यूरोपियंस ने क्या किया, जिसमें से पोर्तुगीज मेन थे, उन्होंने ये सी रूट ढूंढा कि सी रूट के थ्रू भी हम इंडिया जा सकते हैं, तो ये सी रूट ढूंढा, उसके बाद इंडिया वास्को दी गामा पहुंच गया था 1498 में, ठीक है। उसके बाद फिर वापस ट्रेड स्टार्ट हुआ, फिर आपको पता ही है कि हमारा मतलब पुर्तगीज आए, फिर अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज आए हमारे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड करते करते ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे इंडिया पे रूल करने लग गए थे, ये सबको पता है। फिर बाद में 1869 में ये स्वेज कैनाल खुल गई, तो और ईजी हो गया उनको यहाँ पर पहुँचना, अब इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है।
सॉरी एक सेकेंड, दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूट, अच्छा अब ये जो रूट है मतलब लैंड रूट हो या सी रूट हो, जब एक जगह से लोग दूसरी जगह जाएंगे तो अपने अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, कॉमोडिटीज़ को एक्सचेंज करेंगे, तो जो उपनिषद रामायण जो पंचतंत्र की स्टोरी है और इंडिया का जो न्यूमरल और डेसिमल सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में पहुँच गया, ठीक है पूरे वर्ल्ड में पहुँच गया, और हमारी स्पाइसेस मसलिन सिल्क ठीक है कॉटन और भी अलग अलग मर्चेंटाइज जो थे वो इंडिया से लोग लेके जाते थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे पहले इंडिया से सऊदी अरेबिया और पर्शियन कंट्री में पहुंचा, फिर पर्शिया के पास में यूरोप था तो पर्शिया से यूरोप में वो सारी चीज़ें पहुंची, फिर इसलिए यूरोप और इंडिया का कॉन्टैक्ट बना, फिर यूरोप से अलेक्जेंडर भी आया था मैसेडोनिया से अगर आपको पता हो, ठीक है तो वो भी इंडिया में इसलिए आया था कि उसको ऐसा पता था कि हाँ इंडिया एक बहुत रिच कंट्री है, वहाँ पर बहुत कुछ होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर भी हमारे यहाँ पे देखता है, इसलिए इतने सारे लोग इंडियन इंडिया में आते थे, इसलिए वहाँ के स्कल्पचर और वहाँ का इन्फ्लुएंस भी हमारी इंडिया में दिखता है। आर्किटेक्चरल स्टाइल, जैसे मुगल्स वगैरह आए थे तो उन्होंने उनका आर्किटेक्चर पर्शियन आर्किटेक्चर डेवलप किया। एंड डोम मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, मतलब वेस्ट एशिया में जैसे डोम्स और मिनारेट्स दिखते थे क्योंकि वो पर्शियंस हमारे इंडिया में आकर रहे रूल किया, तो वो डोम्स एंड मिनारेट्स क्या है हमारी कंट्री में भी अब देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंडियाज़ नेबर्स, अब इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, तो देखो इधर देखो, ये देखो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये इंडिया के नेबर्स हैं, ठीक है। इंडिया के पास कितने स्टेट्स हैं, टोटल 28 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज़ हैं हमने देखा। अब देखो ये बताओ द नंबर ऑफ़ यूटीज़ अलॉन्ग दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, तो हमने देखा था अभी दमन एंड दीव है, दादर एंड नागर हवेली है, देखो ये वेस्टर्न कोस्ट पे है दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली और माहे पुडुचेरी के का पार्ट है लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है ये सारे वेस्टर्न कोस्ट पे आते हैं। ईस्टर्न कोस्ट पर आती है पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है उसके बाद जो दिल्ली और चंडीगढ़ है वो तो बीच में आती हैं, और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है वो नॉर्दर्न पार्ट्स में आते हैं। इतना क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन दी कोस्ट, ऐसा कौन सा स्टेट है जो जिसकी ना तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है ना ही वो कोस्ट पे लाई करता है, तो वो है ये देखो बहुत सारे ऐसे देखो जैसे मध्य प्रदेश है उसकी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है ना ही वो कोस्ट लाइन पर एग्जिस्ट करता है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है यूपी बिहार की तो करती है, फिर हरियाणा है, ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है तो मेन तो यही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है ये सारे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाते हैं, तेलंगाना ठीक है इसके अभी कुछ नहीं है, बाकी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सबके हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा स्टेट विच डू नॉट हैव एन, ये तो हो गया, एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट गोवा है, सबसे लार्जेस्ट राजस्थान है, क्लासिफाई द स्टेट इनटू द फोर ग्रुप्स हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ किसका आता है, चाइना के साथ किसका आता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट बाउंड्री बनाते हैं, तो पहला है पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात, तीन स्टेट बनाते हैं, पहले जम्मू एंड कश्मीर भी बनाता था लेकिन अब वो यूटी है, ठीक है तो तीन स्टेट जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। चाइना के साथ कौन बनाता है, लद्दाख तो यूटी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चार स्टेट जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं। फिर नेपाल के साथ कौन बनाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, और साथ में ये वेस्ट बंगाल, ठीक है ये वेस्ट बंगाल भी है वो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, सिक्किम सिर्फ इतना पार्ट है, देखो सिर्फ इतना पार्ट जो है वो सिक्किम है, बाकी ये पूरा वेस्ट बंगाल है, ठीक है। फिर भूटान के साथ कौन कौन बनाता है, अच्छा इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड का एटलस हो तो आप उसमें देख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में अगर किसी को कोई क्वेरी आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट लेक्चर में वो इंक्लूड कर दूंगी मैं। फिर भूटान वाला देखो सिक्किम इधर आता है, वेस्ट बंगाल आता है, फिर आसाम आता है, अरुणाचल प्रदेश, ये भी चार स्टेट के साथ बनाता है। फिर आता है नीचे ये बांग्लादेश, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल, ठीक है वेस्ट बंगाल के बाद आसाम इधर से, मेघालय इधर से, वापस से आसाम है और त्रिपुरा और यहाँ मिज़ोरम, तो कितने स्टेट हो गए, एक दो देखो सॉरी कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 स्टेट्स जो हैं वो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। उसके बाद म्यांमार के साथ कौन बाउंड्री बनाता है, तो ये तो नमामी और अरुणाचल प्रदेश, मतलब चार बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, ये चारों स्टेट्स जो हैं वो किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं, म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाते हैं।
चलिए हो गया ये। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट में जो है ये देखो थोड़ा सा पार्ट जो है अफगानिस्तान भी शेयर करता है, 106 किलोमीटर ओनली, लेकिन वो पार्ट जो है वो POK में आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, लेकिन हम उसको ऑफिशियली मानते नहीं है, वो इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल अभी वो किसके कंट्रोल में है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला साइड नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में चाइना नेपाल भूटान बनाता है, और एकदम ईस्टर्न साइड पर कौन बनाता है, म्यांमार बनाता है, और सदर्न में कौन बनाता है, श्रीलंका और मालदीव्स, ये दो आइलैंड कंट्रीज हैं जो सदर्न में बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ये देखिए वही लिखा हुआ है, बांग्लादेश इन द ईस्ट एंड सदर्न नेबर्स आर द टू आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। अच्छा एक और चीज़ डू यू नो, बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ दी स्टेट। जब 1947 के पहले हमारे पास दो टाइप के स्टेट होते थे कंट्री में, पहला होते थे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है प्रिंसली स्टेट्स, दूसरे होते थे ऐसे प्रोविंस जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में हैं। ठीक है, तो ये दो होते थे, और प्रिंसली स्टेट्स के को डायरेक्टली रूल कौन किया करते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल रूल किया करते थे, जिसको कौन अपॉइंट करता था, वाइसरॉय अपॉइंट करता था, और प्रिंसली स्टेट जो होते थे वो लोकल हेरिडेटरी रूलर्स होते थे जो लोकल एरिया में रूल किया करते थे, और हु एक्नॉलेज सोब्रिनिटी इन रिटर्न फॉर द लोकल ऑटोनॉमी। जिन्होंने ब्रिटिशर्स की सोब्रिनिटी मान ली थी, बस वो अपने लोकल ऑटोनॉमी उनके पास होती थी, बाकी किसका कंट्रोल होता था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होता था। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर श्रीलंका एंड मालदीव से होता था, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल कॉल्ड द पाक स्ट्रेट। यहाँ पे ये जो है ये पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोनों इस यहाँ से होते हैं। मालदीव आइलैंड जो है वो सदर्न कंट्री है जो कहाँ पर आती है, साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड में आती है। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ द एशिया इन योर एटलस एंड नोट डाउन हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। अब जैसे हमको पता है कि इंडिया का काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड था इधर, पूरा एरिया जो है ये देखिए ये वाला पूरा अच्छे से कनेक्टेड है, उसके अलावा इधर साउथ ईस्ट कंट्रीज से भी कनेक्टेड। अगर आपने हिस्ट्री नहीं देखी है, जैसे हिस्ट्री के तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री की बुक जो होती है वह अच्छी मानी जाती है, मतलब उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा है। अगर जैसे आपने वो नहीं देखा है ना, तो मैंने मैप्स के थ्रू पूरा हिस्ट्री एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने फुल तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मैप की क्लियरिटी आएगी कि कौन कहाँ से आया था, कैसे इंडिया में सेटल्ड हुआ, फिर इंडिया के किस किस कंट्री के साथ कैसे कैसे कनेक्शंस थे, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक स्कूल भुवन करके एटलस पोर्टल है, वहाँ से आप जाके और मैप को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कहाँ से नहीं पास होती है, राजस्थान से तो होती है, छत्तीसगढ़ से भी होती है, त्रिपुरा से भी होती है, उड़ीसा से नहीं होती है। देखो उड़ीसा से नहीं होती है, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, उड़ीसा यहाँ रह गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ, किसके साथ बनाता है, नेपाल के साथ बनाता है। इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावर रत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ फॉलोइंग ब्यूटी ऑफ इंडिया यू हैव टू बी ट्रब गोइंग। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरत्ती, अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, दमन एंड दीव की और दादरा एंड नागर हवेली की आप बताइए, पुडुचेरी की, पुडुचेरी। चलिए उसके बाद, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री हु डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री, तो कौन सी है जो लैंड बाउंड्री नहीं, भूटान तो बनाती है, बांग्लादेश बनाती है, नेपाल बनाती है, तजिकिस्तान नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन आता है, लक्षद्वीप आता है और मालदीव्स आता है, मालदीव्स एक कंट्री है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है। ठीक है, नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया, इंडिया से बड़ी कौन कौन सी हैं, बहुत सारी हैं, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, फिर ब्राज़ील है, USA है, रशिया है, कनाडा है, ये 6 कंट्री जो है वो इंडिया से बड़ी हैं। सॉरी, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड ग्रुप है जो लाए करता है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार। विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर सदर्न नेबर, सदर्न नेबर कौन कौन सी हैं, श्रीलंका है और मालदीव्स है। ठीक है, इतना क्लियर है। द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू द गुजरात इन दी बेस्ट, बट द वॉचेज शो द सेम टाइम, क्योंकि हम लोग जो टाइम डिसाइड करते हैं वो स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट से करते हैं, इस वजह से। फिर फोर्थ क्वेश्चन है,
सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड एज द ग्रेट सिग्निफिकेंट. जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की इंडियन ओशियन में, उसका हेड ऑब्वियसली हमारा इंडिया, जैसे सार्क समिट वगैरह उस सब में लीडरशिप का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि उसके आसपास की जितनी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसके उसमें सबसे अभी जो डेवलप कर रहा है, जितना ग्रोथ किसका हो रहा है, इंडिया का हो रहा है. जैसे नेपाल है, भूटान है, ये सारी कंट्रीज इतनी डेवलप नहीं हो रही है. पाकिस्तान को पता ही है आपको कौन सी कंट्री, वो उसमें क्या चीज़ डेवलप हो रही है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा. उसके बाद मैप स्किल आपको करनी है. जैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ. द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, अभी बताया अंडमान निकोबार और हमारा लक्षद्वीप. द कंट्रीज कंसिस्टिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो कौन कौन सी आती है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है. द स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि 8 स्टेट से पास करती है. नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री, नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है हमारा, 37 degrees 6 minutes. ठीक है, साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेनलैंड 8 degrees 4 minutes, हाँ वही है. ठीक है, फिर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, तो अभी हमने 68 degrees 7 minutes वेस्ट में है, सॉरी ईस्ट से 97 degrees 25 minutes ईस्ट. द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 seas, कौन सी प्लेस सिचुएटेड है तीनों सी के बीच में, तो वो हमारा क्या नाम है उसका, तमिलनाडु कोस्ट. ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका पाक स्ट्रेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. तो ये पूरा चैप्टर 1 हो गया है क्लास 9th एनसीईआरटी का. अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अगर नहीं पसंद आया तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी आप मुझे सजेस्ट कीजिए. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.